जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नेशनल डिफेंस एकेडमी में डाइट के बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिन्हें सर्व किया जाता है। एक वीडियो में सभी मील के बारे में बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के ब्रेकफास्ट में कौन से फूड्स हैं जो कैडेट्स को सर्व किए जाते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो कौन से फूड दिया जाता है, अगर आप वेज खाते हैं तो कौन से आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनडीए की जो ट्रेनिंग होती है उसमें कैडेट को पूरा दिन रगड़ा दिया जाता है, साथ में एकेडमी की पढ़ाई भी करनी होती है, तो इसीलिए उसके शरीर में जो कैलोरीज का डिमांड होता है वो हाई रहता है। इसीलिए एनडीए में हर दिन 3000 से लेकर के 3500 कैलोरी हर एक कैडेट को दिया जाता है। ये कैलोरी ज्यादा और कम भी हो सकता है, कैडेट कितना खा सकता है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई कैडेट 4 रोटी खाता है तो उसके हिसाब से उसका कैलोरी हो गया एक मील में, वहीं पर एक कैडेट अगर 8 रोटी खाता है तो उसका कैलोरी उससे डबल हो गया। तो इसीलिए कैलोरी का जो काउंट है वो क्वांटिटी के ऊपर ज्यादातर डिपेंड करता है। लेकिन एक रफ जो कैलोरी जो मिनिमम सबको खाना है वो 3000 कैलोरी। कैडेट को हर दिन जो मेहनत करना पड़ता है उसके हिसाब से उसके खाने में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। इसीलिए हफ्ते के अलग अलग दिन ब्रेकफास्ट अलग अलग होता है। इंडिया में सुबह 5 बजे मॉर्निंग टी दिया जाता है, उसके बाद 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच में ब्रेकफास्ट होता है। मंडे के ब्रेकफास्ट में अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो कॉर्नफ्लावर और वेज दालिया के साथ में आपको एक दिया जाता है, और अगर आप वेज खाते हैं तो मटर मसाला, 250 ml दूध, टोस्ट, बटर और जाम दिया जाता है। उसके बाद ट्यूजडे के दिन अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चने, वेज रोल के साथ में मसाला, एक भुर्जी दिया जाता है, और अगर आप वेज खाते हैं तो कबली चना, मिल्क, टोस्ट, बटर और जैम दिया जाता है। वेडनेसडे के दिन जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बॉइल्ड एग, साथ में भेज उपमा और चटनी दिया जाता है, और जो वेज खाते हैं उसके लिए काला चना, दूध, टोस्ट, बटर और जैम दिया जाता है। थर्सडे के दिन जो नॉन वेज खाते हैं उसके लिए मसाला ऑमलेट, साथ में भेज मसाला सावो दिया जाता है, और जो वेज खाते हैं उसके लिए मटर मसाला, मिल्क, टोस्ट और बटर दिया जाता है। फ्राइडे के दिन मसाला भुर्जी, मिल्क, टोस्ट और बटर दिया जाता है। लगभग इन्हीं खानों को दोबारा रिपीट किया जाता है अगर आप वेज खाते हो या फिर नॉन वेज खाते हो। सैटरडे के दिन फ्राइड एग, आलू चना, मिल्क, टोस्ट, बटर और जैम, और संडे के दिन एक भुर्जी, पनीर भुर्जी, मसाला, मिल्क, टोस्ट, बटर, जैम और चाय दिया जाता है। तो ये जो डाइट होता है इसमें हर एक प्लेट में 1000 से लेकर के 1200 कैलोरी होता है, डिपेंड करता है कि वो कैडेट कितना खाता है। लेकिन आपको बता दूं, इंडिया में फूड को वेस्ट करना अच्छी मैनर्स नहीं मानी जाती है। फूड को अगर आप बार बार फ्रीक्वेंटली वेस्ट करते हैं सीनियर्स के द्वारा आपको पनिशमेंट मिलने का भी चांसेस रहता है, और इंडिया में खाना भी खाने का एक अलग स्टाइल, एक अलग मैनर होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया में लंच में क्या दिया जाता है अगर आप नॉनवेज और वेज हो। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।